परदेसी आ परदेसी हो पंजाबियां दे जज्बातां दी आओ अज गल करिए आपां लम्मियां वाटां लम्मियां वाटां। दोस्तों परमात्मा ने इस खूबसूरत कायनात नूं बनाया अते हर एक जीव दे विच जान पाई। इंसान तो इलावा पौधे झरने पानी या चट्टानां दे विच भी जान पाई। यही नहीं बल्कि इंसान की जुबान चो निकलन वाले शब्दों के भी जान होंदी है। इस गल का अंदाजा उदों लगाया जा सकता है कि जदों असी किसी नूं दो प्यार भरे बोल बोलते हाँ तो उस इंसान नूं अपना आप खूबसूरत लगन लग पैंदा है। अते इहदे उल्ट जदों कोई इंसान किसी नूं कौड़े बोल बोलता है तो वह अंदरों अंदरी झुरना शुरू कर देंदे ने। गीतां दे विच शब्दां दे विच जान जरूर होंदी है अते महान होंदे ने वह लोग जो अपने शब्दों कविता या लेख का रूप दे देंगे ने। दोस्तों अज मैं थोड़ी मुलाकात एक ऐसे गीतकार नाल करवाउण जा रहा जिन्हां ने अपने गीतां दे राही पंजाबी सभ्याचार दी पंजाबी मां बोली दी काफ़ी लंबे समय तक सेवा की है। मेरी मुराद है पंजाब दे नामवर गीतकार विजय धामी यानी कि धम्मी हेरां वाले। विजय जी सत श्री अकाल अत जी आए। सत श्री अकाल जी, बहुत बहुत मेहरबानी जोशी साहब और लम्मियां वाटां दे सारे दर्शकों और पंजाबी जबान को मुहब्बत करने वाले सारे लोगों का मैं शुक्रिया अदा करदा कि उन्होंने मेरे गीतों में इन्ना प्यार किया और तुसी मैनू इस काबिल समझा कि लम्मियां वाटां दे दर्शकों के रूबरू करवाया। मैनू बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा। धम्मी साहब सारा प्लेजर मेरा है, ये मेरा ही कह सकते हो कि कोई चंगे कर्म ने कि मैं थोड़े नाल गल कर रहा क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे तो मैं थोड़े जो गीत ने वो सुनता आ रहा तो मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी है। मैं जानना चाहना कि तुसी गीतकारी का सफ़र कदों शुरू किया। जोशी साहब 81-82 की गल है। मैं लालपुर खालसा कॉलेज पढ़ता हूँ सी, उतों ग्रैजुएशन की थी। जी और मलकीत तूतक तुतक तूतियाँ वाला असं इकट्ठे पढ़ते होंगे सी तो उतों एक माहौल जहा बनिया रहा हूँ सी तो लिखण का। और एक गीत मेरा वो कॉलेज टाइम चो उस वेले स्टेजा पर गाया करता सी ते वो गीत फिर पूरन शाह कोटी होना ने कितने उन्होंने कोलों स्टेज पर सुनिया ते मलकीत भाई होरां मलकीत होना तो उन्होंने नोट कर लिया उन्होंने कोलों ते फिर मैनू बुलाया और मेरे लिए तो बहुत माण वाली गल सी कि शाह कोटी साहब ने मैं सद्या ते वो गीत फिर उन्होंने हंसदी आवाज़ च रिकॉर्ड करवाया सी। पहला गीत सी मेरा कि सोहनिया नहीं सोहने तेरे नैणा दी शराब चो भर के प्याला मैनू पी लैण दे कहणगे जे लोकी नहीं शराबी मैनू गोरीए कहिंदे आ तां कहिंदे रहण कह लैण दे। और एक इहदे विच इक होर खुशी वाली गल आ कि उही गीत हंस होणा दे छोटे बेटे युवराज होणा ने अपनी जिहड़ी पहली एल्बम सी उहदे च दुबारा रिकॉर्ड भी कराया जी। सो उत्थों सफर शुरू होया सी जी। जी तां भी भाजी तुसीं बहुत गाने लिखे ने, काफ़ी गाने ऐसे लिखे ने जो अज तक भी लोकां दे दिल दे विच धड़क रहे ने। तुहाडे दिल दे करीब ऐसा केड़ा सोंग है जिहड़ा तुहानूं लगदा होवे कि यार ये जो गीत मैं लिखिया मेरे दिल चों निकला। असल च गल इस तरह हुंदी है कि मैं जिहड़े गीत लिखदा वो सारे मैं दिल दे करीब जिहड़े शब्द आ उही गीत उकरदा उही गीत मैं लिखदा और पंजाबियों वल्लों उन्हां सारे गीतां नूं उन्नी मुहब्बत भी मिलदी आ। सो जदों भी मैं कोई गीत सुणदा क्योंकि मेरे अक्सर गीतां दे विचों लाइनां लै के यंगस्टर ने और मोटरसाइकलों के पिछे कोई ना कोई लाइन लिखी होंगी है गीत के बच्चों, मतलब सारे गीत में इन्ना प्यार करते जिहड़ी गल उन्होंने चंगी लगती है वह पिछे प्लेटां बनवा लेंदे आ। तो फिर भी जिहड़ियां जिन्हां गीतां दा लोकी सारे तकरीबन जिक्र करते रहिंदे आ उन्हां गीतां च चंद गीत हैगे ने कि जिवें आ सुणिया जग जिउंदिआं दे मेले। जिहड़ा जग जिउंदिआं दे मेले आ ना एक्चुअली जिहड़ा इह टाइटल ही हैगा इह अपने आप दे विच ही अमर हो चुक्किआ। सो इह जदों तुसीं इह गाणा लिखिआ सी की तुहानूं लगदा सी कि इह सोंग किसे दिन इन्नी ज़्यादा मकबूलीयत हासिल कर लूगा? नहीं, इह बिल्कुल उम्मीद नहीं सी। और इस सोंग दी जिहड़ी क्रिएशन आ इह सोंग जिहड़ा बणिआ सी गीत मैं तां हरभजन मान असीं काफ़ी उस वेले इकट्ठे घूमदे सीगे शूट शाट चल रिहा सीगा इह शोआं दा बाहर मनिंदर गिल होणा दे शो असी करने सके। सो उदों फिर असी कार च जांदे आउंदे शुरू कीती हरभजन कहिंदा भी एक ना आ आइडिया जिहा उहने दस्सिया सी भी जग जिउंदिआं ने मेले एक आइडिया शब्द या तीन चार इह ते गीत पूरा करिए लिखिए। तो मेरा ख्याल अद्धे घंटे घंटे च असी गीत कार दे विच ही लिखिया गया वह गीत। और मैनूं अज भी जदों मैं सुणदा तो मैं अपने आप ते माण करदा कि ऐसियां गल्लां इन्ने थोड़े समें च
ऐसा वहा ऐसा कुदरती कृपा ऐसी कुदरती मेहरबानी कि वह अज जो मैं अज भी सुनदा तो मैं जिन्हों गीतों पर फख्र कर सकता जिन्हों गीतों मैं माण ना कह सकता भी मैं लिखा सो वह कली कली लाइन उस गीत की वह काबल माण करने योग है जी। सो इदा के गीत होर भी लाली नैणा च रड़कते छड़ गए इश्क की बरसात ते साड़ी पिठ ते जिन्ने वार होए सब कीते जिगरी यारां ने। ओके जे मैं गल करां तुहाडे विजय धामी दे बारे धम्मी हेरां वाले दे बारे जी तुहानू किस किस्म दे सोंग ज़्यादा पसंद आउंदे ने रोमांटिक सोंग या अपबीट सोंग या सैड सोंग? मैं इस गल्लों खुशकिस्मत हाँ कि मैं अज तक अपने आप ते ठप्पा नहीं लगन दिता भी मैं सैड लिखदा जां कल्ले जां रोमांटिक लिखदा जां डांसिंग लिखदा जां इदां कह लो भी मैं जिथे भी हाथ अजमाया जिहड़ा जिहड़ा भी मेरे को सोंग डिमांड कीता आर्टिस्ट ने सिंगर ने और मैं जिहड़ा भी गाना लिखिया उहदे विच मैं ऐसी गल जरूर करदा कि वह दूजिआं नाल वखरी लगे वह सुनण वाले नूं लगे कि यह हाँ वाकई धम्मी दा लिखिआ। सो मैं जिहड़ा भी गीत लिखदा मैनूं मज़ा आउंदा सुण के भी ते गाउण वाले नूं भी मज़ा आउंदा और हर तरह के गीत मैं लिखे और हर तरह के गीतां नूं प्यार मिलिआ। ਧੰਮੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲਾਕਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਐਸਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹਰ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਖਾਂ ਜਾਂ ਪਾਕ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਰੂਹ ਆਖਾਂ ਵਾਜਵਾ ਛਣਕਾਰ ਤੂੰ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਵੰਗਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਪੀਂਘ ਜਿਵੇਂ ਸੱਤ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਜੀ ਜੋ ਮਾਂ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਚੁੱਪ ਹੋਇਆ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੁਸਕਾਨ ਜਿਹੀ ਜਿਹਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਰਹੇ ਉਡੀਕ ਸਦਾ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਮਾਕਲ ਕੁੜੀ ਦੀ ਚੁੱਪ ਵਰਗੀ ਤੂੰ ਪੋਹ ਮਾਘ ਦੀ ਧੁੱਪ ਵਰਗੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਧਰਮ ਜਿਹੀ ਤੂੰ ਸਿਦਕੋਂ ਲੀਕ ਹੈ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਪਰ ਬੜੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਨਰਮ ਜਿਹੀ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚਾਅ ਵਰਗੀ ਤੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹ ਵਰਗੀ ਤੂੰ ਮਿਸ਼ਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿੱਠੀ ਹੈ ਪਰ ਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌੜੀ ਹੈ ਉਸ ਪਾਰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਟੱਕਰੀ ਸੈਂ ਤੂੰ ਉਹੀਓ ਹੈ ਕਿ ਜੌੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਠਾਠ ਨਵਾਬੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਸੋ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਧੰਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸੌਂਗ ਹੈ ਨਛੱਤਰ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋਏ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਫਖਰ ਨਾਲ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਥੋਟ ਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਮਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੁਦਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਔਰ ਮੈਂ ਸੈਰ 'ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਘਰੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੋਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਕਿ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋਏ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਆਪਾਂ ਦੋਏ ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੁਣਗੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਾਗਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ ਉੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੀਤ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੱਤੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬਸ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋਏ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਆਪਾਂ ਦੋਏ ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੁਗਾਤਾਂ ਕਦੇ ਆਈਆਂ ਨਾ ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਬਾਖੂਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਛੱਤਰ ਬਾਈ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਧੰਮੀ ਭਾਅ ਜੀ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਵੇਂ ਕਾਫੀ ਸੌਂਗ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮਲਕੀਤ ਦਾ ਵੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਇਆ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਐਲਬਮ ਆਈ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਂਜੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੇ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਝੁੰਡੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਗਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕ ਕੱਟੜ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗੀਤ ਮਲਕੀਤ ਹੁਣ ਨੇ ਗਾਇਆ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਪੱਲੇ ਬੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਪੱਲੇ ਬੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਓ ਜ਼ਰਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਤੁਰਦੀ ਗੱਲ ਖਲੋ ਜਾਵੇ ਧਰਮ 'ਚੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾ ਮਨਫੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੀਤ ਇਹ ਹੁਣੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਲਬਮ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਆ
जिद नछत्र होना नछत्र गिल होना का गाना एक जसवीर जसी है लैंबर सैनपुरी कलेर कंठ चेती मान जिमी जगिंदर जिमी कनेडा तो गुरसेव मान और एक गीत मेरा अपना भी है जी जी सो वो भी जल्दी आप गा के रिकॉर्ड कराया हाँ जी हाँ जी हाँ दैट्स गुड पहली बार होया या पहला भी नहीं नहीं पहला मेरी एक दो एल्बम आई हैं ठीक है जी एक दा चरणजीत ओझा साहब ने कीता सीगा म्यूजिक दिता सी जी और एक जलंधर दूरदर्शन से न्यू ईयर का प्रोग्राम आया सी उहदे च भी मेरा सॉन्ग सीगा जी सो इदां शौक जिहा पूरा कीता दैट्स गुड प्रमी साहब तुसी बहुत ही एक बेहतरीन इंसान हो तो एक बहुत वधिया गीतकार भी हो तो परमात्मा थोड़ी आने वाले समय के जो भी तुसी निशाने उलीके हुए ने परमात्मा उन्होंने सारे पूरे करे तो साढ़े नाल गल करन दे लई तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू जी बहुत बहुत शुक्रिया मेहरबानी